हाय फ्रेंड्स, मैं हूं केबी। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं जा रहा हूं कलकत्ता से गंगा सागर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और फिर वीडियो को एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हम कलकत्ता से गंगा सागर कैसे आ सकते हैं। आप अपने कन्वेंस से भी आ सकते हैं एक पॉइंट तक, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं लोकल ट्रेन से, लेकिन अभी कोरोना की वजह से लोकल ट्रेन बंद है, जो एक पॉइंट तक ट्रेन आती हैं। उसके बाद आप लोकल बस से आ सकते हैं, सेम एक पॉइंट तक आप बस से आ सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है आप कलकत्ता से लेके एक जो पॉइंट आप वहाँ तक आ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको लोकल टोटो मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा करनी पड़ेगी आपको उस पॉइंट के लिए जहाँ से आपको लॉन्च मिलेगी। एक्चुअली जो यहाँ पे समुद्र में फेरी चलती है तो यहाँ पे उसको लॉन्च बोला जाता है। तो उसके बाद जब आप लॉन्च लोगे तो लॉन्च लेके फिर आप पहुँचोगे गंगा सागर के जो समुद्र तट है उसके ऊपर, और वहाँ से आपको फिर से एक गाड़ी लेनी होगी, मे बी बस, टोटो या जो भी वहाँ पर चलती हैं, ताकि आप एक्चुअल जो गंगा सागर का तट है वो अराउंड 30 किलोमीटर है वहाँ से। तो वहाँ आने के लिए आपको ये चार ऑप्शन लेने पड़ते हैं एक जर्नी को पूरा करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक गाड़ी से आए अपने घर से और डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं है। आपको दो तीन बीच में कन्वेंस जो हैं वो चेंज करने होंगे, उसके बाद ही आप पहुँच सकते हो। डायरेक्ट कोई कन्वेंस नहीं है कलकत्ता से यहाँ पर आने का, लेकिन एक कन्वेंस है जो डायरेक्ट आपको गंगा सागर लेके आता है कलकत्ता से। वहाँ से कलकत्ता से क्रूज़ चलती हैं, लेकिन अभी वो बंद है क्योंकि सीज़न नहीं है गंगा सागर आने का लोगों का। तो वो क्रूज़ चलती है, उस क्रूज़ का किराया अराउंड 1200 से लेके 1600 रुपये होता है पर पर्सन, जो आपको कलकत्ता से यहाँ पे ड्रॉप करती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे गंगा सागर जाऊँगा। गंगा सागर जाने के लिए हमने बुक की है बस, आप एक माई ट्रिप से बस बुक कर सकते हो। तो आपके पास दो पॉइंट हैं, एक आपका है नाम खान और दूसरा है आपका कागदीप करके एक जगह है। तो हमने बस बुक की है कलकत्ता से जो कि धर्मतल्ला से चलती है, और उसका किराया नॉर्मल है। मतलब आपका अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूँ तो आपका 80 रुपये पर पर्सन लगेगा एक साइड। तो मैं उतरा हूँ कागदीप, मतलब मैं उतरूँगा कागदीप, और वहाँ से एक न्यू रोड बन के एक न्यू रोड जाता है जिसको रूट 8 भी कहा जाता है। तो आप वहाँ पे उतरें कंडक्टर से पूछ के, वहाँ से आपको एक टोटो लेना पड़ेगा जो अगर आप ग्रुप में हैं तो सवारी के हिसाब से 15-10 रुपये पर सवारी, और अगर आपको रिजर्व करके जाना है तो पूरे उसका वो 100 रुपये या 50 रुपये ऐसा कुछ लेते हैं। तो वो आपको छोड़ेंगे उस पॉइंट पे जहाँ से आपको फेरी मिलेगी। फेरी की टिकट है अराउंड 9 या 10 रुपये। फेरी आपको आधे घंटे में जो आपका गंगा सागर है वहाँ पहुँचाएगी, और उसके बाद फिर हमें एक अलग कन्वेंस लेना होगा जो कुछ कोच भी हो सकता है अकॉर्डिंगली। वहाँ पे बस हैं या जो भी लोकल कन्वेंस चल रहे हैं और जो भी उनके चार्जेस हैं वहाँ जाके पता चलेंगे, तो वो लेके हम पहुँचेंगे फिर जो एक्चुअल गंगा सागर की लोकेशन है। अभी मैं टोटो से जा रहा हूँ स्टीमर पकड़ने के लिए गंगा सागर का। तो एक अपडेट ये है कि यहाँ पे जो लास्ट स्टीमर है दोपहर में वो 11:30 बजे तक चलता है, और उसके बाद फिर शाम को 5 बजे स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको आना है तो 11:30 से पहले आप पहुँच जाएँ स्टीमर की लोकेशन तक, वरना फिर शाम को 5 बजे के बाद ही मिलेगा आपको। ये है वो लास्ट स्टीमर जो आ रहा है दोपहर के लिए। देख लो बंगाल का समुंदर। बाइकें खड़ी कर दी हैं यहाँ पे,
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपका कागद्वीप और जो नाम खाना से जो स्टीमर चलते हैं उनकी एक प्रॉपर टाइमिंग है अकॉर्डिंग टू हाई टाइड लो टाइड। तो अपने घर से निकलने से पहले आपके जो आप ट्रिप प्लान करोगे तो उसके अकॉर्डिंग करें, तो उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और जो उसकी टाइमिंग्स के चार्ट है वो आपको गूगल पर मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो में भी आपको वो चार्ट अवेलेबल कराऊंगा कि किस किस लोकेशन से क्या क्या टाइमिंग है स्टीमर के, जो कि बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसी के बेस पे अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा, वरना आपके कम से कम भी 5-6 घंटे ख़राब हो सकते हैं। भी वैसे बड़ा प्यार रखा है, अभी जब मैं बस में आ रहा था तो बारिश हो रखी थी, अभी जस्ट थोड़ी बारिश कम हुई है। ये एक और नाव किसी लोकेशन पे जाती हुई, मौसम आप देख ही सकते हैं, बादल, अलग ही नज़ारा आ रहा है। इस समुंदर में बिजली के खंभे लगाए हुए हैं, एक अच्छी बात और ये है कि ये जो स्टीमर है इसका किराया सिर्फ 10 रुपये है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, और हमें अराउंड अभी आधा घंटा लगेगा अपनी नेक्स्ट लोकेशन में पहुँचने के लिए, और वहाँ से फिर हमें करनी पड़ेगी एक बस, जो लोकल बस चलती है या फिर आपकी जो प्राइवेट बस चलती है, तो उनके किराया भी डिपेंड करता है आपका 20-30-40-50 अकॉर्डिंगली बसों के अकॉर्डिंग है। तो पहले अभी थोड़ा स्टीमर का और समुंदर का मज़ा ले लें, फिर जब बस पे पहुँचेंगे तो आपको वहाँ के रिव्यू दूंगा मैं। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, क्या होता है कि यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी धूप होती है और थोड़ा उमस वाला मौसम होता है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से आप लगातार बारिश हो रही है, मतलब दिन में 1-2 बार तो बारिश हो जाती है हल्की हल्की, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा है, मौसम भी प्यारा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ऊपर समुद्र की राइड आधे घंटे की, एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस हो रहा है। राइड में आपके 10 रुपये कम से कम 10 बार वसूल हो जाएंगे आधे घंटे के अंदर, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। मतलब इस रूट पर मतलब मैं पहली बार आया कलकत्ता, तो इतना समुंदर में, इंडिया के समुंदर में एक्चुअली, इतना अंदर तक आज तक मैं गया नहीं हूँ, उससे पहले US में तो मैंने, चलो मैं काफ़ी घूमा हूँ समुंदर में, लेकिन मौसम ने और भी अच्छा माहौल पैदा कर दिया है यहाँ पे। हम गंगा सागर के तट पर पहुंचने वाले हैं, और बाहर निकलते ही आपके यहाँ पे बस का टर्मिनल है जहाँ से आपको बस और प्राइवेट बस, टैक्सी सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लोकल बस में जाओ तो बेटर है, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है उसके। जो लोकल्स मुझे मिले, मैंने उनसे बात की तो पता चला कि वहाँ पे जो कपिल आश्रम है और वहाँ पे भी आपको रूम मिल जाएंगे रहने के लिए और होटल्स भी हैं, तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं कैसी फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कहाँ रुकना है। बजा के निर्देश देते हुए जो ऊपर इंजन रूम में बंदा बैठा है ट्रैवल जो चला रहा है स्टीमर को, हमें एक स्टीमर से दूसरे तीसरे में उतरो, उसके बाद फिर बाहर निकलना है। चलिए जी, एक से दूसरे में, दूसरे से अब तीसरे में, और तीसरे से अब बाहर। अब यहाँ बारिश चल रही है बाहर, तो इसलिए मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ ताकि मोबाइल ना ख़राब हो जाए। ये आपका बाहर जाने का रास्ता, स्टीमर से हम उतर चुके हैं,
लेकिन अभी थोड़ी बारिश तेज है, तो यहाँ पर आपका वेटिंग रूम टाइप बनाए हुए हैं, तो अभी मैं वहीं रुका हूँ, कुछ लोग भी वहीं यहीं रुके हुए हैं। तो जैसे थोड़ी बारिश कम होगी उसके बाद फिर हम बस स्टैंड की ओर चलेंगे और फिर वहाँ से बस पकड़ के जो मेन आपका गंगा सागर का एरिया है वहाँ पहुँचेंगे। फिर उसके बाद मेरे ट्रिप में जो एक चीज़ मिसिंग है वो है छतरी, जिसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप अपने ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो थोड़ा वेदर के अकॉर्डिंग छतरी साथ लेके चलें, ताकि आपको थोड़ी मतलब परेशानी ना हो इतनी कम्यूट करने में। ये आपका ऑटो टैक्सी स्टैंड पूरा इधर, जो आपको गाड़ियाँ मैंने दिखाई थी अभी खड़ी हुई, ओमनी आपका टाटा सुमो वगैरह जो भी हैं। नॉर्मल अगर मैं बस की बात करूँ तो उसमें आपके लगते हैं 20 से 50 रुपए अकॉर्डिंग टू बस, लेकिन ये लोग लेते हैं 1000 रुपए गाड़ी का, मतलब उसमें आपके 4 आदमी 6 आदमी जितने भी जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप कन्वेंस करना चाहें तो 1000 रुपये या थोड़ा बार्गेनिंग करके 700-800 में पटा के आप आराम से गाड़ी करके जा सकते हैं 6-7 बंदे हैं तो। लेकिन अगर आप अकेले हैं 1-2 बंदे तो उनके लिए अगर शेयरिंग में नहीं मिल रही है चीज़ तो फिर बेनिफिट नहीं इतने पैसे खर्चने का, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर है और आप आराम से आधे घंटे में या 1.5 घंटे में बस के थ्रू भी जा सकते हैं। तो चलिए अभी फिर मैं बस स्टैंड की ओर जा रहा हूँ और वहाँ से बस पता करते हैं और वहाँ से फिर निकलते हैं अब हम। एक्चुअली क्या है, इस टाइम जो गंगा सागर का जो सीज़न है वो अभी है नहीं, तो यहाँ पे बसें अभी चल नहीं रही इतनी। उसके अलावा आपके यहाँ पे वो तो ओमनी के ऑप्शन मिल जाएंगे, मैजिक के ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप मेरे पीछे खड़ा देख सकते हैं। तो इसका जो चार्जेस है यहाँ पे 50 रुपये पर सवारी है, तो आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है नॉमिनल रेट पे, 30 किलोमीटर 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी मैं भी इसी को पकड़ता हूँ जो मेरे पीछे खड़ा हुआ, उसको भरने की वेट कर रहा हूँ, जैसे वो भरेगा फिर हम निकलेंगे यहाँ से। अब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम बापी है। बापी जी हमें बताएंगे थोड़ा इस जगह के बारे में, जगह का नाम क्या है जहाँ से हम जा रहे हैं? ये जगह का नाम है थोड़ा कचुबड़िया और आप लोग जहाँ जा रहे हैं तो गंगा सागर। अच्छा, तो कुछ गंगा सागर के बारे में बताओ, आप तो लोकल हो यहाँ के। गंगा सागर क्या हम बताएगा, वो कपिल मुनि का दर्शन जी वो मंदिर है। अच्छा, दर्शन जी। अच्छा, कपिल मुनि है उनका आश्रम है वहाँ दर्शन करने के लिए। एक आपका जो घाट है वहाँ पे गंगा नदी समुद्र से मिलती है। गंगा नदी समुद्र से मिलती है। तो और क्या क्या मतलब, बहुत दिन आगे वो तो पुराना है ना, बहुत दिन आगे क्या करता है। अच्छा, अभी तो मंदिर थोड़ा 1 किलोमीटर मैंने नदी का आगे है 1 किलोमीटर आगे। अच्छा, मैंने सुना जो पुराना मंदिर था वो डूब चुका है। हम लोग नहीं देखा वो, मतलब मैंने भी सुना है, सुनने में आएगी जो पहले एक पुराना मंदिर था जो आश्रम था वो समुद्र में ऑलरेडी डूब चुका है। अब ये नया बना है जो अभी है 1 किलोमीटर अंदर तट से। तो ये थे हमारे बापी जी। तो चलिए अभी थोड़ा रास्ते की आपकी जो सीनरी ब्यूटी है वो भी दिखाता हूँ आपको, और बारिश की वजह से तो ऑलरेडी मौसम ऑसम हो ही चुका है। तो अभी हम निकल चुके हैं और हमें अराउंड 1 घंटा लगेगा इस जो मैजिक है इसके अंदर वहाँ पहुँचने में। तो भैया वहाँ पे जैसे जो आश्रम है या जो होटल वोटल है उसमें रूम वूम का क्या हिसाब किताब है? रूम अच्छा है। कितने में मिल जाता है, क्या रेंज है? ज़्यादा 3। अच्छा, वो अच्छा, मतलब 300 से स्टार्ट है। 400-500 उसके बाद 1000 तक, जहाँ आप जितना जो आपको फैसिलिटी जो आप ले सकते हैं। 800 जो रूम है ना वो तो सब सफाई अच्छा है। 800 वाले रूम बढ़िया है। और आश्रम के अंदर भी है रूम? हाँ, आश्रम के अंदर भी रूम है, वो भी कम में मिलता है। वो भी वो जो रूम है ना आश्रम का जो पास है ना, वो कम में मिल जाएगा। अच्छा, वो कम में मिल जाएगा। अच्छा, आश्रम वाले जो रूम है वो अच्छे भी हैं और कम रेट पे मिल जाएंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है, और थोड़ा भक्ति में माहौल होगा आश्रम के अंदर और भी अच्छी बात है। ये देख लो एक्चुअल नेचुरल ब्यूटी अगर देखनी हो तो खेत है क्या? हाँ, किस चीज़ के खेत हैं? अभी इसमें खारा पानी है ना। हाँ, तो खारा पानी इसमें घुसा। अच्छा,
धान का जो खेती है ना, खारा पानी से धान होगा नहीं। अच्छा, अरे यहाँ पे झींगे भी तो पालते हैं ना खेतों के अंदर? हाँ। खेतों में झींगे, केकड़े वेकड़े भी पालते हैं? अच्छा, लेकिन अभी जो पीछे खेत गए थे वो आपके उसके थे धान के? यहाँ मैंने काफी जगह पे वो भी देखे, कमल के फूल की वो है, तो उसकी भी खेती होती है यहाँ पे? अच्छा। अभी हम इधर गांव में थोड़ी सवारी लेने के लिए रुके हैं। नॉर्मली तो हमारे यहाँ पे जो मैजिक है इसमें 14 बंदे आराम से बैठते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ दो ही हैं, तो देख रहे हैं अगर कुछ एक आदमी सवारी मिल जाए तो कहीं की भी। तो अभी 5 मिनट रुकते हैं फिर चलते हैं, एक आ भी गई है शायद। ये आपके पान के पत्ते,